खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और एनटीए से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई है उसमें मांग की गई है कि नीट अंडर ग्रेजुएशन 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और साथ ही नीट परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। 3 याचिकाएं जो हैं दायर की गई हैं, इन तीनों ही याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई है। वो परीक्षार्थी जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मार्किंग में वो पीछे रह जाते हैं और इस तरह से वो निराश हो रहे थे, जिसके बाद याचिका दायर की गई है 3 मांगों को लेकर, उन पर सुनवाई होगी आज। तो नीट मामले में तमाम तरह के आरोप लगाते हुए छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र और अभिभावक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है और साथ ही इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब सबकी नजर कोर्ट पर है। देशभर की अदालतों में अर्जियां दी गई हैं और बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एनटीए ने अपील की है कि देश की कई हाई कोर्ट में याचिका है, लिहाजा फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेने दिया जाए। एनटीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वो खुद याचिकाओं को ट्रांसफर करने की अर्जी देगी। तो आज क्या होने वाला है और क्या हो रहा है इस मामले में अब तक, उसकी तस्वीर आपके सामने है। विरोध प्रदर्शन नीट पर, पॉलिटिक्स चरम पर है और आज अहम सुनवाई। टाइम के बदले टाइम देना चाहिए था, नंबर क्यों दिया? उन्होंने टाइम के बदले मार्क्स को कॉम्पनसेट किया है। वैसे टाइम के बदले टाइम को कॉम्पनसेट करना चाहिए था। और एक एक मार्क्स पे हजार हजार रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। एक एक मार्क्स पे अच्छे अच्छे कॉलेज छूट सकते हैं। काउंसलिंग पर स्टे लगे, परीक्षा फिर से हो। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और री एग्जाम के लिए नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि काउंसलिंग पर स्टे लग जाए। छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि छात्रों की मेहनत की अनदेखी कब तक, सरकार और एनटीए जवाब दे। हैशटैग नीट के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मेहनत पर इस तरह से पानी फिर गया। नीट में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम और नतीजों में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि उनकी तैयारियां, उनके सपने, उनके भविष्य के प्लान सब धरे के धरे रह गए। पिछले साल 607 कटअप गया था तो हम लोग सोचे थे चलो इस बार 623 आया तो कितना जाएगा, 1000-2000 रैंक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो 55,000 हो गया। तो यही लेके आए हैं। बच्चा मेरा बहुत डिप्रेस में है, दूसरा अटेम्प्ट था उसका। एक ही सेंटर से 8-8 बच्चे टॉप कर जाना और वो भी सीरियल नंबर से, एक ही सेंटर से टॉप कर जाना, ये बहुत बड़ा संदेह का घेरा है। देश की प्रतिष्ठित संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही है। एनटीए पहले ही नतीजों को सही ठहराते हुए तमाम तरह की दलीलें पेश कर चुका है। जिन सेंटर्स पर उंगली उठी है वहाँ जांच की बात कह चुका है, लेकिन अब छात्रों का जैसे एनटीए और परीक्षा के सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है और सिर्फ अदालत से उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एनटीए ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले तो अच्छा होगा। सारे हाई कोर्ट्स डिफरेंट ऑर्डर्स ना पास करें, वो ये प्रेफर करेंगे कि एक ट्रांसफर पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हो एंड दे हैव अंडरटेकन कि वो ही ट्रांसफर पिटिशन वो लोग मूव करेंगे, एनटीए मूव करेगा एंड उससे ये होगा कि सारे मैटर्स जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एनटीए से जवाब मांगा गया था।
लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। छात्रों और अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं और उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाए, नीट में सुधार के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाए, नीट परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा की मांग की गई। पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और जब छात्र अपने भविष्य के लिए नीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो विपक्षी दल इस मौके को भला कैसे छोड़ सकते हैं। वे सरकार पर सियासी हमले कर रहे हैं। एक तरफ युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो अन्याय ना ही हो और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान लेकर प्राथमिकता देकर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। इट हैज टू बी इंक्वायर्ड हु इज बिहाइंड दिस स्कीम एंड नाउ बीजेपी इज इन्वॉल्वड इन दिस नीट स्कैम एंड इट इज ओपन नाउ। दरअसल नीट परीक्षा के नतीजे 4 जून को जारी हुए और उसमें उम्मीद से परे कट ऑफ आई, जिससे छात्रों में आक्रोश है क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी छात्रों को ना तो अच्छे कॉलेज मिलने वाले हैं और ना ही अच्छे कोर्स, और यही वजह है कि छात्र री नीट के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ विरोध में शामिल हैं। रायपुर से खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय करेंगे सभी विभागों की समीक्षा और आज से ही सीएम साय समीक्षा बैठक शुरू करेंगे, जनता से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे।